श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अपनी फाइल में पासवर्ड लगाना। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को किसी दूसरे यूजर को भी दे देते हैं और वो हमारी फाइलें कोई सी भी खोल के देख सकता है। बट एक फाइल हमारी ऐसी है, हम नहीं चाहते कि उस फाइल को वो दूसरा पर्सन खोल सके और वही पर्सन खोल सके जिसको हम वो पासवर्ड दें। तो इसके लिए आपको फाइल में पासवर्ड लगाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फाइल है, तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको जाना है फाइल में। और फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे शुरुआत में सेव मिलेगा, सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। और आप कहाँ सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन पूछेगा, तो हम करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे। तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो फाइल का नाम पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सेव करना चाहते हैं राहुल नाम से, हमने यहाँ राहुल लिख दिया। फ्रेंड, इसके बाद आपको क्लिक करना है टूल ऑप्शन पर। जैसे ही आप टूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है, पासवर्ड टू ओपन, मतलब कि वो ओपन करने वाला पासवर्ड की फाइल खुलेगी ओनली, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा इस पासवर्ड से। तो हमने दे दिया यहाँ पे 1111 दे देता हूँ, और जो भी आप देंगे उसे याद रखना है। सेकंड में मॉडिफाई करने वाला पासवर्ड, यानी ये पहले वाला जो पासवर्ड होगा उससे तो फाइल खुल जाएगी, और जो दूसरा पासवर्ड होगा उसमें आप अपनी फाइल में मॉडिफाई भी कर पाएंगे, या जिसको आप पासवर्ड देंगे वो मॉडिफाई कर पाएगा इस पासवर्ड से जो हम मॉडिफाई में डालेंगे। हमने यहाँ पे 2222 यानी 4 times 2 दे दिया। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वो री एंटर करने के लिए पूछता है ओपन करने वाला पासवर्ड, हमारा था 1111, और उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे कि ये मॉडिफाई करने वाला री एंटर करना है 2222। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, डेस्कटॉप आ ही रहा है ऊपर, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे हमने सिलेक्ट किया था, ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी। इसके बाद हम इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी फाइल सेव हो गई है और हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद हम देखते हैं कि उस फाइल में पासवर्ड लगा है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये राहुल नाम की यहाँ पे फाइल आ गई है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन नहीं होगी और पासवर्ड मांगेगा। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड सबसे पहले ये मांगेगा पासवर्ड हमारा खोलने वाला, यानी ओपन करने वाला पासवर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पासवर्ड मांग रहा है ओपन करने वाला। तो सबसे पहले हम ओपन करने वाला पासवर्ड हम डालेंगे 1111। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, फिर मॉडिफाई करने वाला पासवर्ड मांग रहा है, यानी हमें इसमें चेंजेस भी करना। तो फ्रेंड्स, सपोज अभी हमने जिसको पासवर्ड दिया है सिर्फ खोलने वाला पासवर्ड दिया है, हम चाहते हैं वो सिर्फ इस फाइल को पढ़ सके, तो वो क्या करेगा, दूसरा पासवर्ड तो आपको हमने इसको दिया नहीं है, तो वो रीड ओनली करेगा और उस फाइल में उसे खोल के पढ़ लेगा, बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा, और चेंजेस करेगा भी तो आपकी फाइल में सेव नहीं कर पाएगा। यानी वो दूसरे नाम से तो सेव कर सकता है, बट आपकी जो फाइल है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा पासवर्ड भी डाल देते हैं। इसमें दूसरा पासवर्ड था मॉडिफाई करने वाला 2222। ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम इस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, फ्रेंड्स आपको दोबारा यही फाइल खोल लेनी है पासवर्ड डालने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, और क्योंकि जब हम पहली बार सेव करते हैं तो हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, मगर आपको एक ही फाइल को दो या दो से ज्यादा नाम से सेव करना है तो आप सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज ऑप्शन होता है एक ही फाइल को दो या दो से ज्यादा नाम से सेव करने के। हम सेव एज पे क्लिक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी राहुल नाम से सेव हो रखी है। सेव एज बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको वही लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ पे वो फाइल है, जो आपकी फाइल है। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव करी थी, तो हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, वो नाम पूछेगा, आपको नाम चेंज नहीं करना है क्योंकि आपको पासवर्ड हटाना है राहुल नाम की फाइल से, तो नाम चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको टूल्स में जाना है और जनरल ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको बैक स्पेस से ये पासवर्ड हटा देना। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे बैक स्पेस से पासवर्ड हटा दिया। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड, आपको उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा, कंप्यूटर बताएगा कि राहुल नाम की ऑलरेडी फाइल वहां पे है, या आप इस दूसरी फाइल भी इसी नाम से सेव करना चाहते हैं, वो फाइल हट जाएगी, यानी उसकी जगह आपकी ये बिना पासवर्ड वाली फाइल आ जाएगी। हम यस कर देते हैं फ्रेंड्स, तो वो हमारी पासवर्ड हट चुका है। फ्रेंड्स, क्लोज करके एक बार और ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही हम राहुल नाम पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी, पासवर्ड नहीं मांगेगी। देख लेते हैं
फ्रेंड्स देखिए अब ये फाइल ओपन हो रही है और इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ये फाइल हमारी ओपन हो गई, इस बार इसने इसमें पासवर्ड मुझे नहीं मांगा। तो आई होप दैट फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपनी फाइल पे पासवर्ड लगा के इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।